अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ रिसीवर एंड अ सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। द रिसीवर इज फिक्स्ड, द सोर्स स्विंग्स हार्मोनिकली अलोंग दैट एक्सिस विद सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 सेंटीमीटर। एट वॉट वैल्यू ऑफ द ओमेगा इन रेडियंस पर सेकेंड विल द फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ दैट इज एफ मैक्स एंड माइनस एफ मिनिमम रजिस्टर्ड बाई द स्टेशनरी रिसीवर विल बी इक्वल टू 20 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल्स टू 340 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये स्टैंडर्ड डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, आपको इफ देर इज अ सोर्स रेडिएटिंग अ फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ एस एंड देर इज अ रिसीवर विच रिसीव्स अ फ्रिक्वेंसी एफ आर, सोर्स की वेलोसिटी अगर वी एस है, रिसीवर की वेलोसिटी अगर वी आर है, तो आपको जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसीवर अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट इज फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स वी प्लस और माइनस वी वेलोसिटी ऑफ रिसीवर वी प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड दिस वी हियर इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है वो आपको 200 हर्ट्ज दिया हुआ है और ये कहा हुआ है कि सोर्स इज फिक्स्ड। ये एक सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट भी कर रहा है विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एम्पलीट्यूड है इसकी 50 सेंटीमीटर एंड इसकी ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपको डिटरमाइन करनी है, सच दैट एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज। तो ये आपको कंडीशन है। तो इसमें आप समझो डॉपलर इफेक्ट के लिए, अब यहाँ पे अगर मैं ये डॉपलर इफेक्ट के इक्वेशन इस सिचुएशन पे अप्लाई करूँ तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिसीवर की स्पीड 0 है, यहाँ पे रिसीवर स्टेशनरी पे है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ द साउंड सिर्फ आएगा क्योंकि वी आर 0 है, रिसीवर आपका स्टेशनरी है, और जो वी एस है वो प्लस और माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है इस वजह से। तो मुझे ये बताओ एफ आर मैक्स कब हो जाएगा? एफ आर मैक्स हो जाएगा जब इसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम पे होगी, तो ये माइनस ए ओमेगा, और एफ आर मिन क्या हो जाएगा सिमिलरली जो वेलोसिटी रिसीव्ड बाय दी रिसीवर विल बी एफ एस वेलोसिटी वी प्लस ए ओमेगा हो जाएगा। और ये किस इंस्टेंट पे हो रहा है? ये इस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स प्लस और माइनस ए ओमेगा कब होता है? जब ये अपने व्हेन रिसीवर इज एट मेन पोजीशन, ना इज एट मेन पोजीशन। तो ये मानो कि आपका सोर्स यहाँ पे है और रिसीवर यहाँ पे है, तो जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ रिसीवर की तरफ मूव कर रहा होगा तब जाके रिसीवर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा, और जब ये माइनस ए ओमेगा के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा होगा तब ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिसीव करेगा। ये फिजिक्स है। तो अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करके डेल्टा एफ जो बैंडविड्थ पूछा हुआ है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको अब बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही है यहाँ पे,
वी प्लस ए ओमेगा एंड दिस विल बी एफ एस वी। तो ये न्यूमरेटर में आपको मिलेगा टू ए ओमेगा एंड डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये 20 हर्ट्ज़ के बराबर है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स वो 200 हर्ट्ज़ के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड हम लोग को 340 लेना है, 340 मीटर पर सेकेंड है, और एम्पलीट्यूड हम लोग को 550 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10^2 मीटर हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, दिस होल डिवाइडेड बाई 340 का स्क्वायर माइनस 50 इंटू 10^-2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। सो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा मिलेगा, टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो आपको ये पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर इसके दो रूट्स होते हैं विच इज़ माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको ओमेगा की वैल्यू जो है वो 34 रेडियंस पर सेकेंड मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट।